हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सूरज, स्वागत करता हूँ सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों अभी मैं इस समय हूँ मिर्ज़ापुर में सीता कुंड के पास, ठीक है। और आप सभी दिखाना चाहूँगा, पीछे देख रहे हैं ये रोड, इसी रोड से होते हुए हम आए हैं। और पीछे ये रास्ता का पकड़ जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक हाईवे रोड देखने को मिलेगा। तो अभी जो ये रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता का पकड़ के आप जाएंगे तो आप चले जाएंगे सीता कुंड, और साथ में अष्टभुजा मंदिर है उधर जा सकते हैं। और आपको मैं चारों तरफ एक बार दिखाना चाहूँगा, ये देखिए कुछ इस तरह से नज़ारा देखने को मिल रहा है। ये पूरा एक तरह से जंगल में है, मैं हूँ आपसे बताना चाहूँगा। अभी यहाँ पे कुछ लोग दिखाई दे रहे थे, अभी बिल्कुल सन्नाटा है, देख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ तो मुझे लगा चलिए आप सभी को दिखाया जाए, बताया जाए किस तरह से यहाँ का नज़ारा है। ये देखिए सामने देख सकते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी पहाड़ी एरिया है तो कुछ इस तरह से देख रहे हैं यहाँ का नज़ारा। और यहाँ पर कुछ बच्चे मस्ती करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। लेकिन चलते चलते आपसे बताना चाहूँगा दोस्तों, मैं भदोही ज़िले से हूँ यानी गोपीगंज से, और चल के मैं आया हूँ यहाँ पे सिर्फ आप सभी को दिखाने के लिए कि यहाँ पे किस तरह से आज का नज़ारा देखने को मिलता है। तो जितना पॉसिबल होगा आप सभी को ए टू जेड मैं सीन दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक। तो अभी मैं फाइनली उधर से चल के आया हूँ दोस्तों, और इधर आसपास लोकेशन दिखा रहा हूँ। देखिए कुछ इस तरह से नज़ारा देख रहे हैं, और मेरे साथ है मनीष। मनीष एक बार हाय कर दो। और आप सभी बताना चाहूँगा, मनीष का भी एक चैनल है और मनीष रियल ब्लॉग के नाम से, तो आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो जाके जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, क्योंकि वो भी हमारे जैसे ही वीडियो बनाते हैं। और ये देखिए स्टेयर दिख रहा है, तो चलिए मैं चलता हूँ ऊपर। और चलने से पहले आप सभी दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सीता कुंड, ठीक है। चलिए अब चलते हैं ऊपर। और फाइनली मैं आ गया हूँ सीता कुंड के पास, ठीक है। और बहुत फेमस है, लोग दूर दूर से आते हैं। देखिए अभी यहाँ पे नीचे कोई नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ दिख रहे हैं भीड़ है। चलिए बने रहिएगा, कंटिन्यू दिखाते हैं आप सभी को यहाँ का नज़ारा। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत व्यू यहाँ पर देखने मिल रहा है। और नीचे आप लोग देख रहे हो काफ़ी सन्नाटा था, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं, ओ भाई ये देखिए यही सीता कुंड है। और लोग आते हैं दूर दूर से सिर्फ यही देखने के लिए कि ये कहाँ से पानी आ रहा है, मतलब ये जो कुंड में नदी देख रहे हैं इसके अंदर पानी कहाँ से आ रहा है, मतलब रहस्यमय है। तो लोग यही जानने के लिए यहाँ आते हैं, ठीक है। तो देखने कुछ इस तरह से नज़ारा दिखाई दे रहा है, और आसपास दिखाना चाहूँगा दोस्तों आप सभी को। अभी मैं पास चलूँगा, और दोस्तों आप सभी बताना चाहूँगा कि ऊपर भी टेंपल है, तालाब है, लोग जाते हैं देखने के लिए, क्योंकि ये रहस्यमय है और पुरानी चीज़ें हैं तो लोग देखने के लिए ज़रूर जाएंगे, ठीक है। और मैं आपको चलता हूँ यहाँ का सीन दिखाता हूँ, जो कुंड है ये देखिए यहाँ पर हमेशा बताते रहते हैं यहाँ पानी हमें देखने को मिलता है, मतलब इस कुंड में हमेशा पानी आता रहता है। और मुझे लगता है मेन उधर है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा कुछ इसके बारे में आइडिया नहीं। लेकिन आप सभी को जो भी है प्रेजेंट टाइम में आप सभी को दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो ज़रूर देखिएगा। ये देखिए लोग यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं लोग जो कुंड से पानी आ रहा है उसको प्रसाद के तौर पर ले रहे हैं, पी रहे हैं। और ये देखिए आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से बिल्कुल साफ पानी है यार। और ये पानी कहाँ से आ रहा है लोगों को पता ही नहीं है, मतलब रहस्यमय है, तो इसलिए बहुत फेमस है, इसलिए लोग दूर दूर से आते हैं सिर्फ देखने के लिए। और साथ में यहाँ पे मंदिर है, दर्शन कर सकते हैं, ये देखिए। तो दोस्तों अभी देख रहे हैं कुछ इस तरह से नज़ारा देखने को मिल रहा है, और इस समय मेरे घड़ी बज रहा है 3:52, यानी कहें मतलब 4 बजने वाला है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ का देख रहे हैं इस तरह से नज़ारा देखने को मिल रहा है। और शायद मैं सुबह के टाइम आता तो बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, और ऐसा लोग बताते हैं कि यहाँ पे हमेशा भीड़ रहता है, ठीक है। तो मुझे नहीं पता था, और मैं फर्स्ट टाइम आया तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं था। तो जितना आप सभी को मैंने दिखाया है बताया है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो एक बार फाइनली मैं यहाँ से दिखाना चाहूँगा चारों तरफ सीन, ठीक है। और ये मंदिर है, यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों, यहाँ से आप लोग दर्शन कर लीजिए। और इधर भी देख सकते हैं, और ये पहाड़ी एरिया में है दोस्तों, ये दिख रहे पहाड़ है सामने, और यहाँ पे लोग प्रसाद के तौर पे दिख रहे हैं। चले मैं भी चलता हूँ, दर्शन करता हूँ, और इसके बाद कुंड का थोड़ा पानी पीऊँगा, इसके बाद मैं आगे चलूँगा, ठीक है। देखिए लोग बॉटल में भी भर भर के ले जा रहे हैं, और साथ में यहाँ पे लोग पी भी रहे हैं। इतना सा होगा, मैंने भी पिया तो काफ़ी शीतल ठंडा पानी है, काफ़ी अच्छा लगा। और इधर से आप सभी दिखाना चाहूँगा चारों तरफ भी एक बार देख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं बाहर की तरफ, और बाहर से आप सभी को सीन दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भीगा भीगा है थोड़ा सा, दिख रहा है पानी ज़्यादा है यहाँ पे। तो दोस्तों अभी मैं चल रहा हूँ स्टेयर के ऊपर, देखते हैं ऊपर क्या हमें देखने को मिलता है, मतलब जितना पॉसिबल होगा आप सभी को मैं दिखाऊंगा बताऊंगा, ठीक है। और ये देखिए काफ़ी ऊंचाई पे है, ओ माय गॉड, अभी तो हालत ख़राब हो रहा है। तो दोस्तों अभी हम स्टेयर चढ़ के आए हैं, कंटिन्यू ही दिख रहा है, यहाँ से चढ़ना होता है और ऐसे ऊपर जाएँगे,
और जैसे ऊपर जाएंगे तो एक मंदिर हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है और लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, ठीक है। और इसके बाद आप सभी को मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ से दिखाई दे रहा है हमें गंगा नदी, ठीक है। और शुरुआत में आप सभी को जो मैंने सीन दिखाया था देख सकते हैं, यहाँ सामने देखिएगा, ये दिख रहा है, वहाँ से मैंने शुरू किया था वीडियो और वहाँ से दिखाते हुए मैं इस साइड आया, राइट साइड आया, ठीक है। जैसे यहाँ पे आया तो इसके बाद अभी मैं सीढ़ी चढ़ के ऊपर आया हूँ, ठीक है। और एक बार यहाँ से दिखाना चाहूँगा, यहाँ से काफ़ी खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है, तो आप सभी को मैं एक बार दिखाना चाहूँगा, ठीक है। ये देखिए, वो दिख रहा है मेन रोड दिखाई दे रहा है और प्लस वो गंगा नदी दिखाई दे रहा है उधर, और इधर चारों तरफ, और इधर चारों तरफ देख रहे हैं काफ़ी खूबसूरत प्यारा व्यू देखने को मिल रहा है। और वहीं बात करें दोस्तों, वहाँ पे देखिए रोपवे चला जा रहा है। तो दोस्तों अभी मैं स्टेयर चढ़ के आया हूँ और ये सामने देख रहे हैं, यहीं से स्टेयर है आने के लिए, और इधर आएंगे देखिए कुछ इस तरह से व्यू देखने को मिल रहा है। तो इधर आप ऊपर आएंगे तो आपको पहाड़ी से व्यू देखने को मिलेगा, मतलब ऊपर से नीचे का व्यू देखेंगे काफ़ी खूबसूरत देखने को मिलता है, ठीक है। और वैसे ज़्यादा कुछ यहाँ पे खास हमें नहीं देखने को मिला, लेकिन हाँ अगर आप नेचर कुछ देखना चाहते हैं तो यहाँ से आके देख सकते हैं। तो दोस्तों रियली बता रहा हूँ, काफ़ी मेहनत करके मैं ऊपर आया हूँ और आप सभी को ऊपर आके आप सभी को सीन दिखाया है, अभी मैं चलता हूँ नीचे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी को मैंने जितना पॉसिबल था यहाँ का सीन दिखाया है, बताया है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को इस ब्लॉग से बहुत कुछ देखने को मिला होगा, बहुत कुछ सीखे होंगे। तो अगर आप सभी को ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलता हूँ जल्दी से एक नए ब्लॉग में, आज के लिए बस इतना ही, टेक केयर, जय माता दी।